हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। कल अपन बच्चों DPP 2 कर रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे अपन इसलिए ज़्यादा वर्क कर रहे हैं क्योंकि भाई आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन उस पर फोकस रहते हुए आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो DPP 2 में क्वेश्चन नंबर शायद 1 to 10 अपन ने किया था। ठीक है, आज 11 ऑनवर्ड्स करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों हमसे, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों हमारे पास, कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। द कॉमन डिफरेंस इज 3। एंड द लास्ट टर्म इज 80। नाउ तो हमसे कह रहा है बच्चों फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर। ठीक है, कितने टर्म्स होंगे AP में ये हमें पता करना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों कितने टर्म्स AP में होंगे। देखिए बच्चों क्या होगा हमारे पास, TN इज इक्वल टू A+N-1 × D। ठीक है, A का वैल्यू बच्चों हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना दिया हुआ है 3। डी दिया हुआ है 3। TN कितना है बच्चों 80। देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, 80-5 इज इक्वल टू 3 × (n-1) जो कि 75 इज इक्वल टू 3n-3। 3n का वैल्यू आ गया बच्चों 75+3, इसको लेफ्ट साइड भेज दिया, 75+3 क्या हो गया 78। 3n का वैल्यू आ गया बच्चों हमारे पास 78। n का वैल्यू आ गया बच्चों 78/3, ये आ गया 26। ये कौन सी टर्म होगी बच्चों, 26 टर्म ऑफ द AP होगी जो कि हमारे पास आएगी 80। ठीक है, AP की 26 टर्म होगी जो 80 आएगी। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ nth टर्म ऑफ द AP सेम एज nth टर्म ऑफ द सेकंड AP देन फाइंड m। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं बच्चों, दो AP दी हुई हैं, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, कह रहा है इफ nth टर्म ऑफ द AP 9, 7, 5 एंड सो ऑन इज सेम एज, इसका जो nth टर्म है ठीक है वो सेम है दूसरी AP है 15, 12, 9 एंड सो ऑन इसके nth टर्म पे। कह रहा है इफ nth टर्म ऑफ द फर्स्ट AP एंड सेकेंड AP आर सेम देन फाइंड n। ठीक है, nth टर्म सेम है। ठीक है, फर्स्ट वाले AP का बेटा हमने ले लिया फर्स्ट टर्म A1, कितना दिया हुआ है 9, कॉमन डिफरेंस 7-9 कितना आ गया -2, जिसको बोल दिया बेटा अपन ने D1। ये हो गया अपने पास A2, फर्स्ट टर्म इसका AP का क्या आ गया 15, कॉमन डिफरेंस D2 आ गया हमारे पास 12-15 = -3। ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास, हमसे क्या कह रहा है nth टर्म सेम है, तो अपन ने बोल दिया TN = TN-। ठीक है, मान लिया पहली वाली AP का nth टर्म TN है, दूसरी वाली AP का nth टर्म TN- है। ठीक है बच्चों, TN = TN- हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए A1+(n-1)(D1)=A2+(n-1)(D2)। ये तो कह रहा है दोनों का क्या है nth टर्म बच्चों सेम बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है बेटा 9 है, 9+(n-1)(D1) कितना है -2 = A2, 15 है +(n-1)(D2), D2 कितना है -3। ठीक है, 9-2n-(+2)=15-3n+3। ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास, तो ये आ गया 11-2n = 18-3n। ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास। चलिए n वाली टर्म्स एक साथ लाते हैं, तो -2n+3n = 18-11, तो क्या आ गया n का वैल्यू बच्चों आ गया 7। तो ये इनकी 7 टर्म होगी वो सेम होगी। क्लियर है बच्चों, द 7 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन विल बी सेम। ठीक है, अच्छा चेक कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए क्या इनका
सेवन टर्म सेम आ रहा है, तो टी सेवन फॉर द फर्स्ट एपी क्या हो जाएगा, ए वन प्लस सिक्स डी, क्योंकि एन माइनस वन होता है। ए वन की वैल्यू क्या है बेटा, नाइन प्लस सिक्स इंटू माइनस टू, क्या हो जाएगा, नाइन माइनस ट्वेल्व कितना आ गया बच्चों, माइनस का थ्री। ठीक है, दूसरी वाली एपी के लिए सेवन टर्म पता करते हैं, टी एन डैश क्या हो जाएगा, ए टू प्लस सिक्स डी टू। ठीक है बच्चों, ए टू का वैल्यू क्या है, फिफ्टीन प्लस सिक्स इंटू माइनस थ्री, तो ये क्या हो गया, फिफ्टीन माइनस एटीन, ये भी क्या आ रहा है देखो, माइनस थ्री। तो ये देखो सेम आ रहा है बच्चों, दोनों की जो सेवन टर्म है देखिए बच्चों सेम आ रही है, कितनी आ रही है, ये माइनस थ्री आ रही है। ठीक है, ये तो बस वेरीफाई कराया मैंने आपको, ठीक है ना, ये दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, जस्ट वी आर चेकिंग आइदर आर सोल्यूशन इज ऑन ट्रू और नॉट। ठीक है, सही है कि नहीं। चलिए इरेज करते हैं बच्चों, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द 12th टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 13 का ए कह रहा है फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड, 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। क्या है एपी हमारे पास, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन अप टू 201। ठीक है, 12th टर्म फ्रॉम द एंड पता करना है बच्चों। देखो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कहता है बेटा कि इस एपी को आप उल्टे ऑर्डर में लिख दो, मेथड वन। ठीक है, और इजी मेथड अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना, अगर लास्ट टर्म हमें गिवेन है तो। मेथड वन क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, इस एपी को उल्टे ऑर्डर में लिख दो। तो देखो यहाँ पे एपी इंक्रीजिंग है, उल्टे ऑर्डर में लिखोगे आप तो एपी डिक्रीजिंग दिखेगी, 7, 9, 7, 5, 3 से दिखेगा ना, तो क्या आ जाएगा देखिए, 201। ठीक है, 199। ठीक है, क्योंकि दो दो से बढ़ रही है, 197 एंड सो ऑन, 9, 7, 5, 3 लाइक दिस। ठीक है बच्चों, इसके लिए देखिए बच्चों ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 201। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बच्चों, देखिए कॉमन डिफरेंस आ गया 199 माइनस 201। ठीक है बच्चों, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस का 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस का 2, ए इजिकल टू आ गया 201। ठीक है, ए इजिकल टू 201 आ गया और कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस का 2। हमसे क्या कह रहे हैं, 12th टर्म फ्रॉम द एंड निकालो, तो स्मॉल से बोल दिया, T12 क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 11d, 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है बेटा, 201, 11 इंटू माइनस 2। ठीक है, 11 इंटू माइनस 2 कितना हुआ बेटा हमारे पास, माइनस का 22, 201 माइनस का 22 दैट इज 179। ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया, कितना आ गया बच्चों आंसर हमारे पास, 179। ठीक है, तो अपने क्या बोल रहा था बच्चों, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द ए पी 3, 5, 7, 9 अप टू 201। ठीक है, तो मेथड वन क्या हो गया, 201, 199, 197 से लेके 9, 7, 5, 3 इस तरह से हो गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, ए का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 201, डी का वैल्यू क्या हो गया, माइनस 2। ठीक है, टी 12 क्या हो गया हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज ए प्लस 11d। ठीक है, तो ये आ जाएगा 201 प्लस 11 इंटू माइनस 2, ये आ गया 179। ठीक है बच्चों, 179 ये हो गया हमारे पास। नाउ T12 आ गया मेरे पास, कितना आ गया, 179। ठीक है, अब अपने को मेथड 2 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज बेटा हमारे पास एक एपी है जिसमें 12 टर्म है। ठीक है, सपोज 12 टर्म है। ठीक है, T1 T2 T3 T4 T5 T6
मेथड टू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेथड टू, ठीक है। उसके लिए कुछ डेरिवेशन है, मतलब डेरिवेशन क्या रिजल्ट है याद करना पड़ेगा। टी सिक्स, टी सेवन, टी एट, टी नाइन, टी टेन, टी इलेवन, टी ट्वेल्व, ठीक है, ये आएगा बेटा हमारा, ठीक है। मान लो हमसे कह रहा है बेटा लास्ट से फोर्थ टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से फोर्थ टर्म क्या होगी, देखो वन टू थ्री फोर, ठीक है। लास्ट से फोर्थ टर्म क्या है हमारी, स्टार्टिंग से नाइन्थ टर्म है क्या हमारे पास, ठीक है। नाइन्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम बिगिनिंग या स्टार्टिंग, ठीक है। हमें लास्ट से फोर्थ चाहिए थी, टोटल टर्म कितनी है, देखो टोटल टर्म थी 12, हमें लास्ट से फोर्थ चाहिए थी, और 12 माइनस फोर कितना हुआ 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तभी तो 9 आएगा, ठीक है ना, 9th, ठीक है, तभी तो आया बेटा ये। वापस से देखो, सपोज अपन ले रहे बेटा सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम लास्ट विच विल इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या हुआ, सेवन्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हुआ, सेवन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग कैसे निकला, देखो 12 माइनस सिक्स टर्म फ्रॉम लास्ट निकाल लेते, 12 में 6 माइनस किया प्लस 1 किया तभी तो निकल के आ रहा है सेवन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यही तो आया बेटा, ठीक है ना। सपोज अपन निकाल ले बेटा नाइन्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, नाइन्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन टर्म फ्रॉम लास्ट क्या है बच्चों, फोर टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है, फोर टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, तो क्या हो गया देखो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस, ठीक है, नाइन, ठीक है, प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, ठीक है, बिगिनिंग। नाउ क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, आरथ टर्म, आरथ टर्म फ्रॉम लास्ट विल बी इक्वल्स टू एन माइनस आर प्लस वंथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। आरथ टर्म फ्रॉम लास्ट विल बी इक्वल्स टू एन माइनस आर प्लस वंथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है बच्चों, आरथ टर्म फ्रॉम लास्ट विल बी इक्वल्स टू एन माइनस आर प्लस वंथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, यही मुझे बताना था। अब देखो हमें क्या चाहिए था बेटा, हमें चाहिए था कि भाई लास्ट से ट्वेल्थ टर्म बताओ, ठीक है, लास्ट से ट्वेल्थ टर्म बताओ, तो पहले हम पता करें लास्ट टर्म आ कौन सी रही है, ठीक है ना। तो अपन ने लिया भाई टी एन क्या हो गया हमारे पास, टी एन हो गया 201, तो क्या लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इज इक्वल टू क्या आ गया, 201 आ गया बेटा। ए की वैल्यू कितनी दी हुई, 3 दी हुई है, तो 3 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 5 माइनस 3 इज 2 इज इक्वल टू 201, तो 2 टाइम्स एन माइनस वन इज इक्वल टू आ गया 198, ठीक है बेटा, 2 टाइम्स एन माइनस वन इज इक्वल टू 198, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एन माइनस वन इज इक्वल टू 199 बाई 2 इज 99, एन का वैल्यू हो गया 100, मतलब इस जो सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 100, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, फाइंड 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, तो 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या होगा, 12th टर्म फ्रॉम लास्ट विल बी इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी है, 100 है, माइनस कौन सा टर्म चाहिए, 12th टर्म चाहिए फ्रॉम द लास्ट प्लस वन फ्रॉम स्टार्टिंग, तो क्या कौन सा टर्म चाहिए बेटा हमें चाहिए, देखो T89 चाहिए, इसका मतलब यही तो हुआ T89, ठीक है ना। 100 माइनस 12 दैट इज 88, 88 प्लस 1 इज 89, T89 क्या होगा बेटा मेरे पास, A प्लस 88D होगा बच्चा, A प्लस 88 इंटू डी, ए की वैल्यू कितनी है बेटा देखो 3 प्लस 88 इंटू 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, ठीक है ना। इस AP का देख लो बच्चों, फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आ गया बच्चा, 3 प्लस 28 जो 16 1 है, 28 जो 16 1 7, देखिए 179, वहाँ से भी आंसर देखिए बच्चों वही आ रहा था 179, और यहाँ से भी आंसर देखिए बच्चों वही आ रहा है 179। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है बच्चों, इस तरह से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आर एस टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होगा, एन माइनस आर प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड कह रहा है बच्चों, फाइंड एन इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज द एन टर्म ऑफ द एपी। गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एन इफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इज द एन टर्म ऑफ द एपी। फाइंड एन इफ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स is the nth term of the AP। देखिए बच्चों, एक AP दिया हुआ है मुझे 5.5, ठीक है, कॉमा 11, 16.5, कॉमा 22 एंड सो ऑन। और कह रहा है x इज इक्वल टू 550, ठीक है, कह रहा है फाइंड n इफ गिवन वैल्यू ऑफ x इज द nth टर्म ऑफ द ए पी। तो nth टर्म ऑफ द ए पी क्या है, गिवन वैल्यू ऑफ x, x की गिवन वैल्यू क्या है 550 है। ठीक है बच्चों, कह रहा फाइंड n इफ गिवन वैल्यू ऑफ x इज द nth टर्म ऑफ द ए पी। ठीक है, ये बच्चों हमें दिया हुआ है। नाउ सी दैट बच्चों, क्या होगा हमारे पास, tn बच्चों 550 दिया हुआ है। ठीक है, tn 550 बच्चों हमें दिया हुआ है, क्या जाएगा मेरे पास बच्चों, अब हमें a पता करना है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी बेटा, 5.5 हो जाएगी, दैट इज 11/2, 2 5 10 + 1 11/2। नौ कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यह आ गया बच्चों 11 - 11/2, एलसीएम लिया 2, 22 - 11, दैट इज 11/2। कॉमन डिफरेंस भी क्या आ गया बच्चों, 11/2 ही आ गया। ठीक है, नौ बच्चों हमें पता क्या करना है, टी एन पता करना है। ठीक है ना, टी एन कितना दिया होता बच्चों हमें, 550 दिया हुआ था। तो टी एन क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 550 आ गया। ए का वैल्यू कितना है बच्चों, 11/2 प्लस एन हमें पता करना है, एन माइनस वन इंटू 11/2 इज इक्वल टू 550। ठीक है, 11/2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस एन माइनस वन इंटू 1 इज इक्वल टू 550। ठीक है बच्चों, ये 1 से देखिए 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, देखिए 11/2 n इज इक्वल टू 550, सो n विल बी 550 इंटू 2/11। 11 से डिवाइड किया बच्चों, कितनी 11/55, n का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 50 × 2, n का वैल्यू आ गया बच्चों 100। तो ये इसका मतलब क्या बच्चों, जो 100th टर्म होगी वो हमारी 550 होगी। ठीक है, इसी तरह बच्चों इसका थर्ड पार्ट है वो आपको ट्राई करिएगा। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 84 मोर देन द 13th टर्म। 13th टर्म निकाल के टीएन को क्या लिख देना, 84 + 13th टर्म। ठीक है, सॉल्व कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 पे आते हैं बच्चों। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 8x + 4 कॉमा 6x - 2 कॉमा 2x + 7 आर इन एपी। ठीक है, ये कह रहा है बेटा एपी में होंगे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द थ्री गिवन टर्म्स आर इन एपी। बेटा देखो क्या होगा हमारे पास, अगर ये तीन टर्म बेटा हमारे पास एपी में होंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, देखो अगर तीन टर्म एपी में हो तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, मतलब t2 - t1 मस्ट बी इक्वल्स टू
T3 माइनस T2। ठीक है बेटा, T3 माइनस T2 के बराबर होंगे हमारे पास। ठीक है बच्चों, अगर ये देखिए एपी में होंगे तो क्या होगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस वुड बी सेम, मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म विल बी इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या बेटा 6x-2 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या बेटा हमारे पास 8x+4 है। T3 क्या होगा 2x+7 माइनस 6x-2, ये होगा बेटा मेरे पास। ठीक है, अब देखो बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, 6x-8x दैट इज 6x-2 - 8x-4 इज इक्वल टू 2x+7 - 6x+2 ये आ जाएगा। 6x-8x क्या आ जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 4x+9 ये आ गया बेटा। 4x को लेफ्ट साइड ले जाओ, माइनस का 4x लेफ्ट साइड आया, प्लस का 4x हो गया इज इक्वल टू 9+6 तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 2x इज इक्वल टू 15। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों हमारे 15/2, दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। ठीक है, दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, अपन ने क्या किया बेटा एपी में है अगर ये, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x-2 - 8x+4 इज इक्वल टू 2x+7 - 6x-2। ठीक है, अपन ने इसे बेटा सिंप्लीफाई करते हुए तो अपन को क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 15/2, दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो इसका x का वैल्यू आ गया 15/2। देखते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द 6th and 17th टर्म ऑफ एन एपी आर दिस एंड दिस, देन फाइंड द 40th टर्म। ऐसे हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं, 15th को ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इन अ सर्टेन एपी द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, प्रूव दैट द 72nd टर्म इज ट्वाइस द 34th टर्म। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ठीक दिख रहा है, कह रहा है इन अ सर्टेन एपी, कह रहा है इन अ सर्टेन एपी द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, ये हमें गिवेन है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव है हमारे पास बच्चों यहाँ पे 72nd टर्म इज ट्वाइस द 34th टर्म, ये दिया बच्चों 72nd टर्म इज ट्वाइस द 34th टर्म। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे T24 क्या दिया, 2 times T10 दिया हुआ है ना, 24 टर्म इज ट्वाइस ऑफ 10th टर्म, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों देखो A+23×D ठीक है इज इक्वल टू 2 times A+90 यही तो होगा बच्चों। A+N-1×D होता है nth टर्म हमारे पास, 24 क्या हो जाएगा N-1 23 आ जाएगा, 10 के लिए आ जाएगा 9 आ जाएगा 9। आगे देखते हैं A+23D इज इक्वल टू 2A+18D ठीक है। देखिए बच्चों क्या करेंगे, A माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2A-A ठीक है, इसको राइट साइड भेजा इसको लेफ्ट साइड भेजा, 23D-18D 2A-A इज इक्वल 23D-18D ठीक है। ये क्या बच्चों आ गया आपका A=5D ठीक है, A=5D आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, A=5D नाउ आगे देखते हैं बच्चों, A=5D मेरे पास आ गया। अब क्या करेंगे अपन, हमें प्रूव करना है कि T72 जो है वो ट्वाइस ऑफ T34th होगा। चलिए T72 देखते हैं, 72nd टर्म क्या होगा बेटा A+71×D तो A का वैल्यू कितना है 5D 5D+71D कितना हो गया बेटा 76D ये आ गया T72 ठीक है। अब निकालते हैं बच्चों T34 क्या होगा बेटा A+33D A का वैल्यू कितना है 5D है 5D+33D तो ये कितना आ जाएगा बेटा T34 आ जाएगा आपके पास
38D, ठीक है। T34 क्या आ गया 38D, ठीक है, और T72 क्या आ गया 76D आ गया। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है बच्चों T72 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T34, ठीक है, हेंस प्रूफ, ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास। क्लियर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, शॉर्ट टाइप आंसर्स हैं सारे, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, T17 क्या है, फाइंड द सेकेंड टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द AP हू सिक्स्थ टर्म इज 12 एंड 8th टर्म इज 22, ठीक है। सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है A+5D दिया हुआ है हमें 12 बच्चों 17 में, 8th टर्म दिया हुआ है A+7D इज इक्वल 22, A और D निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म पूछ रहा है A+D, nth टर्म पूछ रहा है A+N-1D, तो 17th क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप। कह रहा फाइंड, 18th है बच्चों, 18th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड A30-A20 फॉर द AP, क्या फाइंड A30-A20 फॉर द AP, फॉर द AP A, A+D, A+2D एंड सो ऑन लाइक दिस, ठीक है, इस तरह दिया हुआ। तो हमसे कह रहा है बेटा A30-A20 निकालो क्या आएगा, ठीक है। चलो देखो बेटा, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, A1 क्या है, A आ रहा है, ठीक है, A2 क्या आ रहा है, A+D आ रहा है, A3 क्या आ रहा है, A+2D आ रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो D आ रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है, A है, तो फर्स्ट टर्म तो A हो गई, कॉमन डिफरेंस D हो गई, तो A30 क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, क्या हो जाएगा, A+29D, A+N-1D, ठीक है, और हमारे पास A20 क्या हो जाएगा बेटा, A20 हो जाएगा हमारे पास A+19D, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। हमें क्या करना है बेटा, A30-A20 निकालना है, A30-A20, A30 क्या आया, A+29D माइनस A+19D, A से ये गया, ये आ गया 29D माइनस 19D, तो ये आ गया हमारे पास 10D, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए पूछ रहा था क्या आंसर आएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डेट इज 10D आ जाएगा हमारे पास आंसर। आइए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ये बच्चों क्वेश्चन अपन ने देखिए DPP-1 में भी किया था, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, 100 टर्म के बीच का डिफरेंस दिया था और 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस पूछ रहा था। DPP-1 DPP-1 में नहीं दिया हुआ है, पर अपन ने क्वेश्चन बेटा कहीं किया हुआ है, ठीक है ना, आई थिंक फिर NCERT में किया होगा अपन ने, ठीक है ना, जो मिथलेनियस एक्सरसाइज होती है। तो एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल याद है क्लियरली कि मैंने ये कराया हुआ है 19 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, अपन डिस्कस कर लेंगे, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा, सो दैट A-B का स्क्वायर कॉमा A²+B² कॉमा A+B का होल स्क्वायर दे आर इन AP, ठीक है।
सो दैट ए माइनस बी का स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन ए पी, ये ए पी में हैं, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये अगर ए पी में दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये अगर ए पी में दिए हुए हैं तो क्या कह रहा है हमने क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, अच्छा हमें प्रूव करना है कि ए पी में, ठीक है, हमें कहना है कि ये ए पी में ये हमें प्रूव करना है। तो अगर ये ए पी में होंगे तो बेटा क्या होगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, टी टू माइनस टी वन हम कैलकुलेट करेंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू, मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए ना कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, डी टी थ्री माइनस टी टू माइनस टी वन निकाला अपन ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, यह आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, टू ए बी, ये आ गया हमारे पास टी टू माइनस टी वन, ठीक है, ये आ गया टी टू माइनस टी। अब अपन निकालना बेटा डी टी थ्री माइनस टी टू, ठीक है, टी थ्री माइनस टी टू क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या दिख रहा है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, क्या आ गया बच्चों हमारे पास, टू ए बी आ गया, ये आ गया हमारे पास टी थ्री माइनस टी टू, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे क्लियरली वी कैन सी दैट, क्लियरली वी कैन से दैट डिफरेंस इज सेम फॉर एवरी कंसेक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस इज सेम फॉर एवरी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, hence they are forming an AP, hence they are forming an AP, इसलिए क्या ये बच्चों फॉर्म कर रहे हैं, AP फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, चलिए इरेज करते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 21st, हम तो कह रहे हैं बेटा 21st का ए पार कह रहा है, इफ वन अपॉन बी प्लस सी कॉमा वन अपॉन सी प्लस ए कॉमा वन अपॉन ए प्लस बी आर इन ए पी, ठीक है, ये कह रहे हैं ये ए पी में, तो कह रहे देन प्रूव दैट, then prove that 2b square is equal to a square plus c square, 2b square is equal to a square plus c square, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है बेटा। देखो अब बेटा देखो यहाँ पे अगर ये ap में है तो हमारे पास क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, देयर कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम, तो क्या जाएगा बेटा हमारे पास, देखो T2 minus T1 must be equals to T3 minus T2, ये आ जाएगा बेटा मेरे पास, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है बेटा। नाउ अब यहाँ पे अपन देखते हैं बेटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, सेकेंड टर्म क्या है, वन अपॉन सी प्लस ए माइनस वन अपॉन b प्लस सी इज इक्वल टू, थर्ड टर्म क्या है, वन अपॉन
ए प्लस बी, सेकेंड में क्या है वन अपॉन सी प्लस ए। ये आया बेटा एलसीएम लिया अपन ने, बेटा एलसीएम लिया सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, बी प्लस सी का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सी प्लस ए प्रेजेंट था, यहाँ पे बी प्लस सी प्रेजेंट था, तो सी प्लस ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। यह आया बेटा मेरे पास, देखो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, ठीक है ये आ जाएगा हमारे पास। नौ सी से सी गया, ए से ए गया, यहाँ पे क्या बचा देखिए बच्चों, बचा यहाँ पे बी प्लस बी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। देखिए सी प्लस ए से बच्चों सी प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, देखिए क्या आ जाएगा, बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों ये क्या देख रहा है, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या देख रहा है बच्चों, देखिए सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी, सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी क्या आ जाएगा बच्चों सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आइदर यू कैन सिंप्लीफाई, ठीक है यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए बी स्क्वायर वाली टर्म एक साथ लेगा, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसको लेफ्ट साइड भेजा, इसको राइट साइड भेजा, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या आ गया टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ये लाना रहता हेंस प्रूव, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं, इरेज करते हैं बच्चों, ट्वेंटी वन का बी है बच्चों, ट्वेंटी वन का बी है, इफ ए ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन कॉमा बी, ये अगर ए पी में हैं, ठीक है एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी कह रहा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है बेटा। मुझे कह रहा है ये अगर ए पी में हैं, ठीक है तो कह रहा है एन का वैल्यू पता करो क्या होगा। चलिए देखते हैं बच्चों, देखिए बच्चों क्या होता है, एक चीज़ समझ लीजिए बच्चों, अगर हमारे पास तीन टर्म ए पी में हैं तो बार बार हम वही कर रहे हैं, टी थ्री माइनस टी टू माइनस टी वन मस्ट बी इक्वल्स टू टी थ्री माइनस टी टू, यही कर रहे हैं, एक रिजल्ट ही बना लेते हैं इस बार, ठीक है जो सेम टर्म एक साथ लाओ टी टू एक साथ लाओ, टी टू प्लस टी टू इज इक्वल टू क्या हो गया टी वन प्लस टी थ्री, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा टू टाइम्स टी टू इज इक्वल टू टी वन प्लस टी थ्री। मतलब अगर तीन टर्म एक्स वाई जेड अगर ए पी में है, ठीक है अगर एक्स वाई जेड ए पी में तो क्या होगा टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ये एक रिजल्ट बन गया। ब्रैकेट में लिख लो इफ एक्स वाई जेड आर इन ए पी, ठीक है ये एक रिजल्ट बन गया बच्चों। देखो बार बार यही तो कर रहे थे अपन, इतनी देर से ये तो कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। मतलब बीच वाले टर्म का डबल मस्ट बी इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, ठीक है बीच वाले टर्म का डबल मस्ट बी इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, ठीक है तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ठीक है बीच वाले टर्म का डबल जो होगा दैट विल बी इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ठीक है बीच वाले टर्म का जो डबल होगा बच्चों दैट विल बी इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है एक रिजल्ट आ गया। अब अगर आगे मुझे तीन टर्म देखे होंगे ए पी में तो मैं हमेशा डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज़ करूँगा, ठीक है आप लोग ध्यान से देखना टू टाइम्स टी टू इज इक्वल टू टी वन प्लस टी थ्री,
मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। नाउ ट्वाइस ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ये पी में तो ट्वाइस ऑफ ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन विल बी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये आया बच्चों हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। देखिए क्या आया, न्यूमरेटर में यहाँ पे आ गया टू टू द पावर ए एन प्लस बी टू द पावर एन इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन। ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। नाउ नाउ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। टू टाइम्स ए टू द पावर एन प्लस टू टाइम्स बी टू द पावर एन इज इक्वल टू ए इंटू ए की पावर एन माइनस वन इज ए टू द पावर एन, ठीक है। प्लस ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी इंटू ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी इंटू बी की पावर एन माइनस वन इज बी टू द पावर एन। ये आ जाएगा बेटा आपके पास, ठीक है। नाउ सी दैट बेटा, ए की पावर एन इधर लियो, टू ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन, टू बी की पावर एन और ये बी की पावर लेफ्ट साइड लिया माइनस बी की पावर एन इज इक्वल टू ए बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है। टू ए की पावर एन में बेटा ए की पावर एन गया, क्या बचा हमारे पास ए की पावर एन, प्लस टू बी की पावर एन में बेटा बी की पावर एन गया, क्या बचा हमारे पास बी की पावर एन इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारे पास, देखो ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी इंटू ए की पावर एन माइनस वन। ए की पावर वाले टर्म एक साथ लाते हैं, बी की टर्म वाले एक साथ लाते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ए की पावर एन माइनस बी इंटू ए की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन माइनस बी टू द पावर एन। ये आया बेटा हमारे पास, देखो ए की पावर एन माइनस वन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, ए की पावर एन माइनस वन कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा ए माइनस बी। देखो बेटा क्या होता है, अगर ए की पावर पाँच माइनस ए की पावर चार लिखा हुआ है और ए की पावर चार अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे ए माइनस वन ही तो बचेगा। वही चीज़ यहाँ पे दी गई, देखो एक पावर ही तो कम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ए की पावर एन माइनस वन अगर हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या दिखेगा ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे अगर बी टू दी पावर एन माइनस वन कॉमन लेंगे बेटा तो देखो यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे बचेगा बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया बेटा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे क्या आ गया देखो बेटा, ए टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा बेटा, ए टू द पावर एन माइनस वन अपॉन बी टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू वन, ये आ गया। इसको डिवाइड कर दिया अपन ने, इसे अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, ए अपॉन बी टू द पावर एन माइनस वन और एनी थिंग टू द पावर जीरो इज वन। तो यहाँ पे क्या राइट साइड क्या लिख दिया, ए अपॉन बी टू द पावर जीरो, ठीक है। इसको अपने लिखा a अपॉन बी टू द पावर n माइनस वन और वन को लिखा a अपॉन बी टू द पावर जीरो, एनी थिंग टू द पावर जीरो इज वन। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, देखो कंपेयर करेंगे तो n माइनस वन शुड बी इक्वल टू जीरो और वी कैन से n इज इक्वल टू वन, ठीक है। जब कंपेयर करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड n इज इक्वल टू वन, क्लियर है बेटा। वापस से देखते हैं, मैंने बताया कि भाई अगर तीन टर्म ए पी में होंगे तो हमेशा हमें कंडीशन निकालेंगे तो क्या आएगा, सेकंड वाले टर्म का डबल मस्ट इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, क्लियर है। नाउ अगर एक्स वाई जेड ए पी में है तो क्या रिजल्ट बनेगा, टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। इस रिजल्ट को अपन ने यूज़ किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करते आए, फिर ए की पावर एन वाले टर्म एक साथ ले आए, ए की पावर एन माइनस वन ए की पावर एन ये एक साथ ले आए, ए बी की पावर एन माइनस वन माइनस बी की पावर वन ये टर्म एक साथ लिया, यहाँ पे ए की पावर एन माइनस वन कॉमन ले लिया, यहाँ बी की पावर एन माइनस वन कॉमन ले लिया, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया बेटा। यहाँ पे क्या आ गया, ए की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो क्या आ गया, ये ए अपॉन बी की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू वन, ये आ गया ए अपॉन बी की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए अपॉन बी की पावर जीरो, ये आ गया एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो या एन इज इक्वल टू वन, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे अपन ने देखा, ठीक है, यहाँ पे अपन ने देखा n की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, वन आ रही है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो बचे हुए क्वेश्चन बच्चों आप लोग खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आप लोगों को बताइए बच्चों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9458234569, रिपीट कर रहा हूँ 9458234569।
कोई भी डाउट हो बच्चों प्लीज़ आप लोग उस पर पूछिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली अपन, ठीक है, आपका डाउट डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी है, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फ्रॉम टुडे, रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।